आप यकीन करें फाकी साहब की किताब चंदा या तलाश में, चंदा या तलाश उस वक्त, इस वक्त इंडियन फिल्म लगते थे ना, तो तलाश फिल्म में, तलाश फिल्म भी कंप्लीट हो गया, तो सबने मना किया मत लगाओ इंडियन फिल्म लग रहा है, किसका, राज कपूर, राज कपूर, माला सिन्हा और कौन, बड़े बड़े आर्टिस्ट उस जमाने का, तलाश मत लगाओ, कोई जानते नहीं पहचानते नहीं, वो पिक्चर लगाया तलाश उसके अगेंस्ट, ये तो सबने कहा नहीं मैं लगाऊंगा, तो सामने तलाश के सामने राज कपूर की परवरिश वो लगे, वो कोई इंसान ही उसमें खाली, और हमारा तलाश हाउस फुल सीट तो रह के और सीट अलग लगा दो, ये हाल था। अच्छा मैडम, अपने बेटे रोनी के बारे में कुछ बताएं कि रोनी की शादी हो गई। नहीं कैसे? रोनी के बारे में क्या बताऊं भाई, जब मेरे घर पे डाका पड़े लास्ट, जब मेरा सब कुछ मेरे पास था मैंने दे दिया था, रॉबिन साहब उस इतने डर गए थे कि उन्होंने उर्दू जुबान बोले गए थे, इंग्लिश में बात कर रहे थे, एक मैं ही होश में थी क्योंकि फिल्म में काम कर करके कि मैं जितना शक्ल पहचान सकूँ मैं पहचान लूँ, तो ये मैं मुझ में था आज कि मैं शक्ल पहचान, उन्होंने कवर किया था तो इतने चीज़ें मिला सब मुझसे, लाइट जब जल गिर गया उनको होश नहीं था, तो लास्ट में जाते वक्त कहा और भी तुम्हारे पास होना चाहिए था, कम है पैसे, मैंने कहा जी कम है, मैं परसों इनकम टैक्स दिया 19 लाख, मेरे पास सब नहीं है, जो था मैंने दे दिया आपको, जेवर सब दे दिया मैंने, सब ये घर है, ये घर मैं कागज़ में लिख के देती हूँ, नहीं चले गए, फिर आया मैं तेरे बेटे को ले जाऊँ, मैंने कहा नहीं नहीं बेटा को ना ले, ये घर मैं लिख के देती हूँ, तो ये बेटा को जो ले जाऊँ, ये रोनी ने सुन लिया वो, अच्छा। बिल्कुल ये कमरा मेरा है और रोनी का था, और ये दोनों दरवाज़ा आमने सामने था, तो वो बात सुन लिया कि तुम्हारे बेटे को उठा के ले जाऊँ, उसके बाद मेरा बेटा के जहन पे वही बात बैठ गया। हाँ उसके बाद ना वो HSL में पढ़ता था, स्कूल नहीं जाता था, बाहर नहीं जाता था, कहीं भी नहीं जाता था डर के मारे कि अगर मुझे उठा के ले जाए, हाँ उसको डर बैठ गया, तो मेरे डैडी को मैंने बुला लिया, इस पाकिस्तान से मम्मी को बुला लिया कि आप लोग आ जाओ मैं शूटिंग करने जाती हूँ, रोनी इस तरह करता है, तो मेरे डैडी और मम्मी आ गए थे, रोनी के साथ रहा, तो फिर मैं शूटिंग करती थी, मेरी एक फ्रेंड अमेरिका से आई है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो वो मैंने घर पर खाने पर बुलाया था, तो उन्होंने रोनी के साथ बात करके मुझे कहा कि शबनम रोनी को हटा दो यहाँ से, मैंने कहा क्यों, कह रहे उसके जहन पे बुरी तरह ये बात बैठ गया कि उसको ले जाऊँ, वो अभी नहीं 10 साल 15 साल के बाद ये पागल होगा, इफेक्ट करेगा समथिंग, अच्छा तो तुम यहाँ से हटा दो आके उसको, मैंने कहा अच्छा, ना हम प्राइवेटली बात की ना रोनी साहब ने, नहीं सही रोबिन साहब मैं और वो लेडी, बार बार रिक्वेस्ट करके गया कि रोनी को हटा दें यहाँ से, यहाँ ना रखें, तो देखा वही हुआ, रोनी कहीं नहीं जाता, मुझे SP साहब ने पिस्तौल भी दे दिया, रोनी के लिए गन भी दे दिया, एक आदमी रखा गाल लेके, तो मैंने नहीं जाना बाबा मुझे उठा लेंगे, स्कूल नहीं जाता, मैंने कहा स्कूल क्यों नहीं जा रहे, वहाँ से कौन उठाएगा, क्या ना मामा वो बंदेल का जो है ना वो कज़न पढ़ता है वहाँ पे, अच्छा उसका कज़न है तो वो मुझे उठा के ले जाएगा, उसको जाना बंद कर दिया, देन हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको हटा दो, वो 9 साल का था, 10 साल का भी नहीं था, रॉबी साहब की बड़ी बहन थी लंदन में, वो बार बार फ़ोन कर रही है कि यहाँ छोड़ जाओ उसे हॉस्टल में, मैं तो हूँ यहाँ पे, तो मैं रॉबिन साहब गया है हॉस्टल उसको लेकर, रोनी को लेकर लंदन, कि चलो छोड़ के आते उसी को, तो इसके बाद उसको उधर भेज दिया ना, छोड़ दिया वहीं पर, उसने पूरा ग्रेजुएशन करके बिजनेस शुरू किया, अब जो है अब ठीक है, तो अच्छा। मैं भी साथ गई, तो एक दिन तो बड़ी बहन ने कहा कि शबनम तो ना झरना करके मुझे कहा कि झरना तुम रोनी को लेके जाओ, तुम अपने लिए भी, दिसंबर का महीना था, ओवरकोट ले लो और रोनी के लिए भी, इतनी सर्दी पड़ेगी कि तुम लोग यहाँ मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा चलना, मैंने कहा अच्छा, तो मैं और रोनी सेल्फेजेस में जा रही थी कोट खरीदने के लिए जी, तो सामने से पाकिस्तानी फैमिली आ रहे थे, मुझे देखा रोक दिया कि आप शबनम है ना, मैंने कहा नेचुरल में मेकअप भी नहीं थे, जीन्स पहने हुए थे नॉर्मल लड़की के तरह, मैंने कहा जी,
काफ़ी देर बाद किया कि आपकी हाथ पीछा देखते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं ये वो। बातचीत करके खुदा हाफिज करके चल गया। दो कदम चले, मामा मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? आपको सब पहचान लेते हैं जहाँ जाओ। मैंने कहा तो क्या हुआ, मुझे उठा के ले जाएंगे ना? मैंने कहा नहीं, यहाँ से तुम्हें कोई नहीं उठा के ले जाएगा। मैडम आपको ये भी जहन में आप रखें किसी खाने में कि उन जो लोग आपके घर आए थे डाका डालने, 35 साल बाद वो पाकिस्तान की सियासत में एंटर होना चाहे, छित्र मारे हैं लोगों ने, फिर घर में बिल्कुल किसी ने नहीं रखा, इतना सारे पाकिस्तान ने थू थू किया, वो उनकी नस्लें बर्बाद हो गई हैं। जी बिल्कुल, उनकी नस्लें बर्बाद हो गई। देखिए सच्ची बात है कि उस जमाने में जिया साहब थे, जिया साहब के उन्होंने बहुत हेल्प किया और इस केस को ये आदमी मिलिट्री कोर्ट में ले जाके केस को किया, ताकि जो उन्होंने कहा इस ये औरत के साथ क्यों हुआ, ये इसे किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। मुझसे पूछा कि इंडस्ट्री में किसी, मैंने कहा नहीं मेरे आज तक किसी के साथ लड़ाई ना तू तू बात हुई, किसी से कुछ मेरा दुश्मनी नहीं है। तो ये जिया साहब ने कहा इस लेडी के साथ अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे कर रही है, इतना कुछ उन्होंने सेक्रीफाइस किया, इनके घर पे क्यों आया? मेरे घर से पहले यही ग्रुप जमुरत के घर पे किया। अच्छा जी। जमुरत के घर पे किया, एक महीना के बाद मेरे घर किया। उन्होंने कहा हमने देखा जमुरत के घर पे जाके बहुत डायमंड मिला, तो हमने सोचा। उसके बाद था रानी का टर्न, दिखाया लिस्ट के सबका नाम लिखा हुआ। अच्छा। उन्होंने कहा क्यों, उन्होंने इनका नाम क्यों लिखा, सारे फिल्म आर्टिस्ट का करें, इनके पास जाते ज़्यादा चीज़ मिलते हैं, इसलिए इन लोगों का नाम चूज़ किया। तो ये है कहानी। बताएंगे रोनी अब क्या कर रहा है? माशाल्लाह रोनी माशाल्लाह बिजनेस कर रहा है लंदन में, आता जाता है। अभी आजकल उसके फादर के 16 को गए फादर, तो मेरे पास आ गया। जो भी होता है आजकल उनको बिजनेस उसका क्या, कंप्यूटर में घर में बैठ के कर लेता ना। तो जब से गया नहीं, कह रहे मामा आप अकेली रहोगी, मैं नहीं जाऊँगा। तो अब कह रहे मामा मुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा तुम जाओ, मैं फिर पाकिस्तान में रह जाऊँ, 2-3 महीना जो भी 4 महीना गुजार सकती हूँ मैं गुजारूँ, तुम्हें तो मिस करूँगी मैं। कह रहे नहीं आप टैब में मेरे साथ बात कर लेना ना, तो फिर आप समझोगे मैं आपके सामने हूँ। एनीवे आप ही इज़ ओके। अच्छा रोनी के वालदैन, माँ और बाप दोनों बहुत बड़े आर्टिस्ट जी हैं, तो उसने कभी ये अर्ज की कि मैं आर्टिस्ट बनूं, या आपने कभी? हमने कभी फोर्स नहीं किया, हमने ऑलवेज उसको प्रेफरेंस दी, जो तुम चाहते हो करना। अच्छा। वो करो, कल ये नहीं कहोगे मामा आपने करने दे नहीं। अच्छा। तो हमारे रोनी अगर मेरे साथ होता पाकिस्तान में, रोबिन साहब के साथ, शायद वो किसी न किसी में चले जाते, एक्टिंग में चले जाते। ठीक है, चले जाते। अच्छा। तो हमारे साथ रहा नहीं, उसको वो शौक भी पैदा नहीं हुआ। मगर जब ओ लेवल दे रहा था, इंडिया से ऑफर आया था उसका, मुझे अच्छा। डायरेक्टर का नाम याद नहीं क्या, अभी भी है वो डायरेक्टर जिंदा, बड़े नाम था उस टाइम में। अच्छा। तो रोनी को देखा तो उन्होंने कहा आप अपने बेटे को कहे कि बॉम्बे में आके मेरे साथ काम कर। हाइट अच्छी है, फेस बहुत अच्छा। अच्छा। तो रोनी का जब रोनी से कहा, रोनी ने कहा कि मैंने कहा बाबा करो फिल्म, अच्छी बात है। कह रहे मामा मैं अगर मैट्रिक ओ लेवल दे लेता तो सोचता, मैं पढ़ाई पहले करूँगा फिर, अभी तो नहीं करूँगा। और मुझे लड़कियों के पीछे गाना गाना मुझे वो नहीं पसंद है। मैं नहीं कर सकता। अच्छा म्यूजिक से दिलचस्पी रोनी को है? नहीं था, वो मैंने कहा ना भेज दिया नहीं, उसका कुछ बहुत नहीं। बहुत डीसेंट सिंपल से मूवी भी बाजी की कोई नहीं देखी, कोई नहीं देखी। इंग्लैंड जाती रहती है, मैं पहले जब था जाती हूँ, अभी तो मेरे पास 3-4 साल मेरे पास ही है।